तो सबसे पहले जो लोग कब्जा फिल्म को केजीएफ से कंपेयर कर रहे थे, उन लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा मैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कब्जा फिल्म में सिर्फ लाइट केजीएफ जैसी है, बाकी उन दोनों में उतना ही फर्क है जितना इन दोनों में है। गजब बेइज्जती है। कब्जा फिल्म का ट्रेलर काफी अच्छा दिखाया गया था। इस फिल्म की स्टार्टिंग जिस तरीके से दिखाई गई उससे काफी अच्छी प्री इंडिपेंडेंट एरा की वाइब आती है। कब्जा फिल्म के हीरो उपेंद्र को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए बार बार उनकी एंट्री काफी लाउड म्यूजिक के साथ दिखाई गई है। हम सब जानते हैं कि साउथ मूवीज की एंट्री बहुत ही खास होती है, लेकिन अगर वो एंट्री आपको बार बार दिखाई दे तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट करने लग जाती है, जो कि इस फिल्म में काफी हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। साउथ मूवीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका मूवी दिखाने का तरीका होता है, जो कि कब्जा फिल्म में काफी वीक रहा है। कब्जा फिल्म में डायरेक्टर आर चंद्रू ने स्टोरी को काफी ज्यादा फास्ट दिखाई है, जिससे फिल्म में काफी नए करेक्टर आते हैं और अगले सीन में ही वो मर जाते हैं, जिससे ऑडियंस कहीं भी कनेक्ट नहीं कर पा रही है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। कब्जा फिल्म में हर सीन के बाद एक ब्लैक स्क्रीन डालकर इसे सस्पेंस बनाने की काफी अच्छी कोशिश की गई है, लेकिन ये टेक्निक स्टार्टिंग में काफी अच्छी लगती है, लेकिन इसे बार बार दिखाकर ऑडियंस को काफी इरिटेट किया गया है। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल के लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला कोई भी रिव्यू आप मिस ना करें। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। कब्जा फिल्म का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इस मूवी का सेकंड पार्ट जरूर होगा, और वही हुआ, इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा। अगर आप इस फिल्म को फिर भी देखना चाहते हैं तो ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा लें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें।